ये सब पिलर बेंच ड्रिल मशीन से 6 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm कैपेसिटी के ये वाले सब ड्रिलिंग कम मिलिंग सीरीज है। अब पहले देखते हैं हम 25 mm 1 इंच की कैपेसिटी के सब मॉडल्स। ये सब 1 इंच के कैपेसिटी के मॉडल्स है 25 mm वाले, सब गियर प्रोविज़न के साथ आएंगे। इसमें 4 स्टेप की सब में पुली आएगी और गियर मैकेनिज्म आएगा 1 इंच वाले सब मॉडल में। ये पहला वाला लाइट ड्यूटी मॉडल है, ये मॉडल नंबर है 12H। इसमें 6 इंच का, सॉरी 5 इंच का ट्रैवलिंग आएगा और 7 इंच का सेंटर मिलेगा राउंड मॉडल। फिर ये स्क्वायर आएगा 15L मॉडल, 15L में ट्रैवलिंग 6 इंच मिलेगा और सेंटर डिस्टेंस है वो 8 इंच मिलेगा। ये राउंड प्लेट के साथ आएगा 15L मॉडल। फिर 15 मॉडल है वो स्क्वायर आएगा, इसमें भी वर्किंग प्लेट भी स्क्वायर आएगा। ये भी 6 इंच के ट्रैवलिंग और 8 इंच के सेंटर वाला मॉडल है। ये 15L वाले से हेवी मॉडल आएगा 25 mm में। फिर 25 mm में राउंड मॉडल में 16 आएगा, 6 इंच के ट्रैवलिंग और 8 इंच के सेंटर में राउंड मॉडल आएगा। फिर राउंड में 10 इंच के सेंटर वाला मॉडल है ये 17L मॉडल, इसमें भी ट्रैवलिंग 6 इंच आएगा 150 mm, लेकिन सेंटर डिस्टेंस है वो 250 mm मिलेगा, 250 mm। ये 17L मॉडल है। फिर ये 18L मॉडल है 18L, ये भी 25 mm कैपेसिटी का हैवी मॉडल है, 6 इंच के ट्रैवलिंग और 10 इंच के सेंटर में। इसका भी ट्रैवलिंग है वो 6 इंच ही है, लेकिन सेंटर डिस्टेंस आपको 10 इंच मिल जाएगा हैवी वर्क के लिए। फिर ये 17 मॉडल है राउंड वाला, फाइन फीड वाला मॉडल, इसमें भी ट्रैवलिंग 6 इंच आएगा और सेंटर डिस्टेंस है वो आपको 10 इंच मिलेगा। और इससे हैवी मॉडल आएगा ये 18 मॉडल, इसमें भी ट्रैवलिंग 6 इंच है, लेकिन इसका सेंटर डिस्टेंस है वो आपको 10 इंच मिल जाएगा। ये दोनों सेम स्पेसिफिकेशन वाले मॉडल है 17 और 18, वैसे ही सेम स्पेसिफिकेशन आएंगे 17L और 18L के। 17 मतलब राउंड सीरीज, 18 मतलब स्क्वायर सीरीज। ट्रैवलिंग सब में 6 इंच है, सेंटर 10 इंच मिलेगा। ये 15-16 मॉडल हो गए, 15 में भी 6 इंच ट्रैवलिंग, 16 में भी 6 इंच ट्रैवलिंग और सेंटर डिस्टेंस है वो 8 इंच मिलेंगे। ये दोनों लाइट सीरीज है, 12H पहला वाला राउंड और 15L दूसरा वाला स्क्वायर। दोनों में वर्किंग प्लेट राउंड आएगा, राउंड वाले में 5 इंच का ट्रैवलिंग है, 7 इंच का सेंटर आएगा, स्क्वायर वाले में भी 6 इंच का ट्रैवलिंग है और 8 इंच का सेंटर मिलेगा। ये सब रेगुलर मॉडल हो गए। फिर हैवी ड्यूटी सीरीज में भी आपको मिल जाएंगे, कंटिन्यू यूज़ करना है आपको तो हैवी ड्यूटी सीरीज आएगी। ये सब हैवी ड्यूटी सीरीज है। ये 22 मॉडल है, 40 mm कैपेसिटी का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। 1 इंच का हैवी मॉडल है, 6 इंच के ट्रैवलिंग और 10 इंच का सेंटर आएगा। फिर ये आएगा 22H मॉडल, 10 इंच का ट्रैवलिंग आएगा स्क्वायर में और 10 इंच का आपको सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर ये 23A मॉडल आएगा, 10 इंच का ट्रैवलिंग और 10 इंच का सेंटर में स्क्रू वाला मॉडल है। यहाँ पे अप डाउन के लिए आपको स्क्रू प्रोविज़न है, बाकी सब में रैक एंड पिनियन का प्रोविज़न आता है। फिर ये 23B मॉडल आएगा, 12 इंच का ट्रैवलिंग और 12 इंच का सेंटर, स्क्रू टाइप का मॉडल आएगा 23B वाला मॉडल। फिर 23C वाला मॉडल आएगा, ये सब 40 mm की कैपेसिटी में भी यूज़ हो सकते हैं और पर इसका हेवी काम है तो भी हो जाएगा। इसमें भी 6 इंच का ट्रैवलिंग है और 14 इंच का सेंटर मिलेगा 14 इंच का। ये 23C स्क्वायर वाला मॉडल है। फिर 23D राउंड वाला मॉडल है, इसमें आपको 10 इंच का ट्रैवलिंग है और 14 इंच का सेंटर मिलेगा हेवी ड्यूटी बेस प्लेट के साथ। और ये लास्ट वाला है वो सबसे हेवी मॉडल, 23H वाला प्रीमियम मॉडल है, 12 इंच का ट्रैवलिंग आएगा अप डाउन का
और आपको सेंटर डिस्टेंस मिलेगा 15 इंच का इसमें स्क्रू वाला प्रोविज़न के साथ में। ये सबसे हैवी प्रीमियम मॉडल में से एक है। यहाँ पे ये सब जो मॉडल है उसमें आपको फाइन फीड मैकेनिज्म भी दिया हुआ है स्लो स्पीड में आपको अप डाउन करने के लिए, प्रिसीजन में अप डाउन करने के लिए। ये ऑटो फीड सीरीज़ है 40 mm की, 10 इंच का ट्रैवलिंग और 10 इंच के सेंटर में ऑटो फीड में यूज़ करना है तो ये ऑटो फीड वाला मैकेनिज्म है। फिर इससे हेवी मॉडल में ये सब ऑटो सीरीज है, ऑटोमेटिक टैपिंग है, पैनल टैपिंग है, ऑटोमेटिक ऑटो फीड मशीन है।